गुड मॉर्निंग मिथेरियंस, उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और कल की जो हमारी ग्लोबल जूम कॉल रही है, उस कॉल के बाद हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं। हम लोगों में बहुत इनकरेजमेंट है बिकॉज ऑफ अनाउंसमेंट, बिकॉज ऑफ न्यूज, कुछ ऐसी न्यूज जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि राइजर कॉइन टेंटिवली हमें हमारी मैनेजमेंट ने 18 जुलाई का वक्त दिया हुआ था। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपको पता है, जब हम डेवलपमेंट करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट की या उसके पीछे कोई भी कॉर्पोरेट टीम काम करती है, तो डिले होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। लेकिन कल से हम लोग एक्साइटेड क्यों हैं, क्योंकि 18 जुलाई की बजाय हमारा जो राइजर कॉइन है वो 9 जुलाई को फर्स्ट अटेम्प्ट में, मतलब फर्स्ट एक्सचेंज जो है वो उसकी पोलोनिक्स होने वाली है। तो दोस्तों, मैं बहुत एक्साइटेड हूं। और पोलोनिक्स एक्सचेंज का हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मतलब यूज कर चुके हैं, पोलोनिक्स एक्सचेंज का बिहेवियर देख चुके हैं और इतनी यूजर फ्रेंडली है। मैंने बहुत सारी एक्सचेंजेस को अभी तक यूज किया है, लेकिन पोलोनिक्स मैं 2014 से यूज कर रहा हूं पोलोनिक्स को। तो 2014 से अभी तक पोलोनिक्स का जो एक्सपीरियंस है, यूजर एक्सपीरियंस, वो बहुत ही अच्छा रहा है। और आप लोग भी जाहिर सी बात है इस एक्सपीरियंस की वजह से सेटिस्फाइड होंगे। तो सेम जिस पे एम कॉइन को आने में 3.5 ईयर लग गए और एक बड़ी जर्नी तय की एम कॉइन ने, वहीं हमारे प्रोजेक्ट का दूसरा कॉइन जिसको हम राइजर बोलते हैं, कि राइजर के साथ आप राइज हो सकते हैं, वो 9 जुलाई को, फाइनल डेट हमारे बीच में आ चुकी है। 8 जुलाई को आप अपना राइजर डिपॉजिट कर सकते हैं और 9 जुलाई को आप जो है उसके ऊपर ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। 20 सेंट से प्राइस ओपन होगा और ये 20 सेंट से कहीं भी जा सकता है, कम्युनिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। 30 सेंट भी जा सकता है, 15 सेंट भी जा सकता है, $1 भी जा सकता है, वट एवर, कहीं भी जाए। कंपनी ने अनाउंस कर दिया है कि 18 जुलाई के बाद जो भी कॉइन मार्केट कैप का प्राइस होगा राइजर का, उसके अकॉर्डिंगली ही आपको स्टेकिंग मिलेगी, उसके अकॉर्डिंग ही आपको जो है वो स्टेकिंग का विड्रॉ मिलेगा। तो दोस्तों, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है कि हमारी कंपनी राइजर के अंदर किसी भी तरह की कोई टर्म अप्लाई नहीं करने वाली, क्योंकि हमारी कंपनी पहले ही राइजर को लेके एक अच्छी खासी डेवलपमेंट कर रही है मेटा राइज के ऊपर। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने राइजर को भी स्टेक किया है और मेटा राइज का जो प्लॉट है उसको भी बाय किया है। आपको पता है हमारे 4 कैटेगरी में प्लॉट है, Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4। Tier 4 का जो प्लॉट है प्री सेल प्राइस में वो 450 एम कॉइन या 4500 राइजर में आपको मिल सकता था, 4500 राइजर में। तो आपको हमारी कंपनी 1 वीक का टाइम और देने वाली है कि आप अपने बैक ऑफिस से बाय कर पाएंगे। उसके बाद प्राइस जो है वो प्री सेल वाला प्राइस हटकर जो कंपनी का मार्केट प्लेस प्राइस होगा मेटावर्स के प्लॉट को लेके, पीस ऑफ लैंड को लेके, तो उस प्राइस में जो है वो ओपन हो जाएगा। और दोस्तों, आज अगर हम बड़े प्रोजेक्ट की बात करें, डी सेंट्रल लैंड और सैंडबॉक्स की बात करें, तो जो हमारी कंपनी डेवलपमेंट कर रही है मेटावर्स के ऊपर वो एक नेक्स्ट लेवल का कर रही है। तो यहां पर आपको एडवांटेज ज्यादा मिल सकता है, इस बात की पॉसिबिलिटीज मेटा राइज के अंदर भी ज्यादा है। और अगर आप मेटा राइज का प्लॉट बाय नहीं कर सकते, तो फिर आपके पास मौका है कि इससे जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट का जो कॉइन है राइजर कॉइन, आप इसको बाय कर सकते हैं। और इसको बाय करके आप जो है मतलब बेनिफिट ले सकते हैं। अगर मेटा राइज ग्रोथ करता है और मेटा राइज जो अगर हम माने कि जब आप एक यूनिवर्स क्रिएट करते हैं मेटावर्स के अंदर, तो ये जो डेवलपमेंट है ये कोई इजी नहीं है और सस्ती नहीं है, मतलब इसमें टाइम भी लगता है और बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी आपको चाहिए होता है। तो हमारी कंपनी 100 मिलियन यूएस डॉलर जो है वो मेटा राइज के ऊपर स्पेंड करने के लिए नेक्स्ट 2 इयर्स में रेडी है और उसके लिए फंड कंपनी अलग कर चुकी है। तो दोस्तों, आप खुद सोचिए कि मेटा राइज नेक्स्ट 2 इयर्स में कहां जाने वाला है। और ये मीथर का ही इकोसिस्टम है और जितने भी राइजर आएंगे या जितने भी राइजर को ट्रेड किया जाएगा या ट्रांजेक्शन किया जाएगा, उसमें एक एमकॉइन का बहुत बड़ा रोल रहेगा। क्योंकि आज आप इथेरियम पे बना हुआ अगर कोई भी कॉइन इधर से उधर करते हैं तो आपको इथेरियम रिक्वायर्ड है, बीएनबी पे बना हुआ करते हैं तो बीएनबी रिक्वायर्ड है।
तो दोस्तों एम कॉइन तो हर राइजर पर्सन को लेना ही पड़ेगा, तो राइजर के साथ साथ आपका एम कॉइन भी ग्रोथ करने वाला है। तो दोस्तों कंपनी ने बिल्कुल एक बैलेंस बनाया इन दोनों प्रोजेक्ट के बीच में, और कल से ही जिस वे से हमारे कंपनी के सीईओ और जो हमारे फवाद आसिफ साहब है जिन्होंने हिंदी में बहुत अच्छे से इसको ट्रांसलेट किया, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों अभी 24 आवर है हमारे पास, 24 आवर से भी कम समय बचा है कि हम अपने एम कैश को स्मार्ट स्टेकिंग में कर सकते हैं। तो 1 जुलाई से जो है वो पेमेंट मेथड चेंज हो जाएंगे, तो ज्यादा से ज्यादा राइजर को स्टेक करें और स्टेक करने के साथ होल्ड करें अगर आप एक अच्छा प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। वी आर वन, वी आर मीथर।